रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस की एजीएम तो 28 अगस्त को होने वाली है, उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि मुकेश अंबानी फोकस में आ गए? तो जनाब बात ही कुछ ऐसी है। असल में मुकेश अंबानी ने अपनी एक आलीशान प्रॉपर्टी को बेच दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने मुंबई में अपना घर एंटीलिया को बेच दिया तो आप गलत फहमी में हैं। अब कहां की संपत्ति बेची गई और क्यों मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति को बेचा, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। अंबानी ने न्यूयॉर्क के वेस्ट विलेज स्थित अपने लग्जरी फ्लैट को $9 मिलियन यानी 74.53 करोड़ रुपए में बेच दिया है। मुकेश अंबानी का ये फ्लैट सुपीरियर इंक नाम की मशहूर इमारत की चौथी मंजिल पर स्थित था। अब इस फ्लैट की खासियत को जान लीजिए। ये फ्लैट 2406 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें दो बेडरूम हैं, तीन बाथरूम और एक शेफ किचन सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। न्यूयॉर्क के जिस बिल्डिंग में अंबानी का ये फ्लैट था वहां हिलरी स्वैक जैसी हस्तियां रहती हैं। हिलरी अमेरिका एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता हैं। अंबानी के इस फ्लैट से हडसन नदी का शानदार व्यू भी मिलता है। सुपीरियर इंक नामक यह इमारत 17 मंजिला है। सही मायनों में 2009 में बनाई गई इस बिल्डिंग में कई अरबपति कारोबारी भी रहते हैं। अब आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस इमारत में अपार्टमेंट बना हुआ है वो साल 1919 की बनी हुई है और इससे पहले सुपीरियर इंक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। साल 2009 में इस रिनोवेटेड रेसिडेंशियल कॉन्डो को सेल कर दिया गया था। बता दें यह पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी और 90 साल के बाद इसमें कई तरह के बदलाव किए गए थे। रॉबर्ट ए एम स्टर्न आर्किटेक्ट्स और याबू पुशेलबर्ग की ओर से बिल्डिंग में कुछ अहम बदलाव भी किए गए थे। बता दें मुकेश अंबानी ने कुछ वक्त पहले दुबई में भी आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी थी। तब खबर सामने आई थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे अंबानी मुंबई के जिस घर में रहते हैं वो भी किसी महल से कम नहीं है। एंटीलिया को दुनिया के सबसे महंगी इमारतों में गिना जाता है। कुल 4532 वर्ग मीटर में फैली इस इमारत में 27 मंजिल है और यहाँ दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आते हैं। वह एशिया के वे सबसे रईस व्यक्ति हैं। अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो $95 बिलियन है। अब जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम के बारे में भी जान लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं वार्षिक आम सभा यानी एजीएम 28 अगस्त को होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही अंबानी यह भी बता सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर बाजार में कब लिस्ट होने वाली है। रिलायंस ने हाल ही में जून तिमाही का रिजल्ट भी घोषित किया था। इस दौरान प्रति शेयर ₹9 का डिविडेंड देने की भी घोषणा की गई थी। रिलायंस ने एलिजिबल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए 21 अगस्त का रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया था। बता दें रिलायंस की एजीएम का निवेशकों को लंबे समय से इंतजार रहता है क्योंकि अक्सर अंबानी इसमें कोई ना कोई बड़ी घोषणा जरूर करते हैं। रिलायंस ने पिछले महीने ही अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का डीमर्जर भी पूरा किया था। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सेंसेक्स और निफ्टी 50 में टेम्पररी एंट्री भी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार। बिस्तार प्रीमियम, यहां आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें बिस्तार प्रीमियम। मेंबरशिप ₹159 से शुरू।